नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झांसी जिले के मऊरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले रानीपुर कस्बा निवासी युवती ने मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कुछ दिन पूर्व सुखनंदन निवासी नई बस्ती मऊरानीपुर कमरा 3,000 रुपए में किराए पर दिया था। अब वहां मेरा कमरा खाली नहीं कर रहा है, जिसकी शिकायत मैंने कोतवाली में की थी, जिसमें कोतवाली प्रभारी ने 1 महीने का समय दिया था। समय पूरा होने पर भी मेरा कमरा खाली नहीं कर रहा और मुझे परेशान कर रहा है, तथा मकान में रही लड़कियां झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही हैं। सीओ साहब से शिकायत करने आए हैं, मकान किराए से खाली करवाना है। किराएदार मेरे घर में रहते हैं, जबरदस्ती रह रहे हैं और खाली नहीं कर रहे हैं। कैसे जबरदस्ती रह रहे हैं? आपने दिया था उनको? नहीं दिया था। किसने दिया था? किसी ने नहीं दिया था, मेरे घर पे कोई था ही नहीं। अच्छा, अपने आप घुस गए? हाँ, के घर के नीचे के गेट खुले रहते हैं। डेढ़ महीने से। डेढ़ महीने से। कौन है ये लोग? पता नहीं, अनीता कुशवाहा नाम बताती है, पति का नाम बोलती है कि मैं बैंगलोर से हूँ, पर उसका आधार कार्ड तो रानीपुर का है और उसके पति का नाम आधार कार्ड में मेंशन नहीं है। उसके डॉटर ऑफ में उसके हस्बैंड का नाम लिखा है, कहीं उसके पति का नाम है नहीं। अब पति था कौन था नहीं पता, क्योंकि वो कुशवाहा है, उसका पति तो गुप्ता है। अब उसका क्या मुद्दा है मुझे नहीं पता, वो पर आए दिन गाली गलौज करती है हमारे घर में। और मेरी माता जी अकेले रहती हैं, वृद्ध हैं, बीपी की मरीज हैं, हम लोग कोई जा नहीं पा रहे हैं। बोलती है तुम्हारे लड़कों को झूठे केस में फंसवा देंगे, तो मैं जो मर्जी तुम्हारी आए वो कर सकती हूँ। हाँ, पुलिस से शिकायत की थी? जी की थी, एक हफ्ते का पहले टाइम दिया था, फिर उसने खुद से कहीं से जो मतलब एक एप्लीकेशन लिखवा के आई थी जो कहीं से भी वेरीफाइड नहीं है, ना किसी ने रजिस्ट्रेट की है, ना किसी ऑफिसर के उस पर साइन है, पर वो लेके आई थी। फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, 1 महीने का टाइम दिया, 20 तारीख को उसका 1 महीना हो गया, वो अभी भी नहीं जा रही है। उसने कल रात में पुलिस को बुलाया, 112 नंबर लगा के, और मेरी माता जी को परेशान किया। उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी रात में, बीपी बढ़ गया था। हम लोग रात में ही यहाँ सुबह 8 बजे आए हैं, रात में वहाँ से निकले हैं क्योंकि वो अकेली थी। क्षेत्राधिकारी जी से मुलाकात हुई है? हाँ, अभी जस्ट हुई है। क्या क्या हाल? वो कह रहे हैं कि हाँ, जो हो देखा जाएगा, मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, काम होगा, आप कल देख लीजिए। अभी पुलिस फोन भी आया है मैम का, तो बोल रही है कि मैं अभी 1-2 घंटे में आ रही हूँ, काम करती हूँ।